अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हमारे दोस्त? सब लोग ठीक ठाक से होंगे। चलिए, आज हम बनाने जा रहे हैं लेडी फिंगर आलमंड्स, जो कि बहुत ही अच्छे और लाजवाब से तैयार होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम हमने ली है, आप के घर में जितने सदस्य हों वो हिसाब से आप ले लें बेशक। तो हमने इसमें 250 ग्राम्स ली हैं और इसको इस साइजेस में कट कर लिया है, लेडी फिंगर यानी भिंडी। उसके बाद हमने एक मीडियम साइज की ओनियन ली है, जो बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर ली है। उसके बाद हमने लिया है 2 टी स्पून आलमंड्स, आलमंड्स का क्रश किया हुआ, मतलब पिसा हुआ आलमंड्स, ड्राई आलमंड्स हमने क्रश किया है, वाटर डाल के नहीं क्रश किया है, एक चीज का ध्यान रखें। उसके बाद हमें चाहिए 1 टी स्पून जीरा और 1 टी स्पून, इसमें देखिए कुटी हुई रेड चिली है, रेड चिली यूज करेंगे हम, पिसी हुई बिल्कुल बारीक वाली रेड चिली नहीं यूज करेंगे। 1/2 टी स्पून टर्मरिक ले ली है, इससे अपनी लेडी फिंगर का कलर बहुत ही खूबसूरत सा निकल के आएगा। और लिया है हमने सॉल्ट टू टेस्ट, सबका अपनी अपनी जबानें होती हैं, जायका होता है, कोई कम खाता है कोई ज्यादा खाता है ना, इसलिए। और ये है हमारा जिंजर, जो हमने क्रश कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है, आप भी कद्दूकस करके ही डालें, कूट के ना डालें, कूट के डालेंगे तो मुंह में आएगा। कुछ डिशेस होती हैं जिसमें हम कूट के भी डाल लेते हैं तो बेशक उसका स्वाद वैसे ही निकल के आ जाता है, और कुछ डिशेस होती है जिसमें हमें कद्दूकस करके ही डालना होता है। फिर उसके बाद हमने लिया है ये ड्राई मैंगो का पाउडर, ड्राई मैंगो जो होता है उसको पाउडर, जिसे हम अमचूर बोलते हैं, वो लिया है हमने 1/2 टी स्पून, और ये 3 ग्रीन चिली। चलिए, तो हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने गैस की तरफ। तो आ चुके हैं हम अपनी गैस की तरफ और हमने फ्लेम ऑन कर लिया है। तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमें इसमें ऑयल डालना है। ऑयल आपने ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, हम आपको दिखा के यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए, ये सर्विंग वाली डिशों में जो डाइनिंग टेबल में यूज़ होती हैं, सिर्फ हमने उससे 2 टेबल स्पून के बराबर ऑयल ऐड किया है। ये देखिए, बस इतने ऑयल में ही ये भिंडियां बनकर रेडी हो जाएंगी और बहुत ही लाजवाब सी तैयार होंगी। फिर हमने क्या करना है कि अपना गैस का फ्लेम को हीट तेज कर लेनी है। उसके बाद ये जो जीरा और रेड चिली है हमने डालना है, और अपनी रेड चिली को जलाना नहीं है, सिर्फ उसको ये देखिए बस इतने ही टाइम के लिए ना, कि बस यूं ये कड़क जाए। और अब इस पे हमें ऐड कर देना है अपनी ये ओनियन जो चॉप करके रखी थी, चिल्लियों को और जीरा को हमको जलाना नहीं है, सिर्फ हमको उनको सौते करना है। और उसके बाद हमने उसमें ऐड कर दी है अपनी ओनियन, ये आपने ओनियन को 2 मिनट्स के लिए इसी तरीके से ओपन करके कुक करना है। आप एक चीज का ध्यान रखें कि ओनियन आपको छोटी छोटी बारीक सी ही कट करनी है, ज़्यादा बड़ी बड़ी ओनियन जैसे हम अपने अलग डिशेस में कट कर लेते हैं वैसे ही न काटें। हर चीज़ का एक एक बनाने का तरीका होता है, सलीका होता है,
जिससे डिशेस अच्छी बनकर निकल आती हैं। तो बस ये छोटी छोटी चीजें आप याद रखेंगे तो अच्छी से अच्छी डिशेस बना सकते हैं। तो बस इतनी देर के लिए ही हमने इसको पकाना है। फिर उसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिया अपना टर्मरिक यानी हल्दी और बस चंद सेकंड के लिए ही चलाया। फिर उसमें ऐड कर दी अपनी ग्रीन चिली। ग्रीन चिली हम कट करके नहीं डाल रहे हैं वरना भिंडियों की मिर्चियां तेज हो जाएंगी, क्योंकि भिंडी में मिर्ची तेज अच्छी नहीं लगती है। सालन वगैरह बेशक हो तो खाए जाते हैं पर भिंडी वगैरह थोड़ा कम मिर्ची मसाले की ही हो तो तभी अच्छी लगती है। और हाँ, ये चीज है कि आप इसको ये किसी भी डिश के साथ बना सकते हैं, बहुत ही लाजवाब सी तैयार हो जाती है। अब इसमें ऐड कर दी हमने अपनी लेडी फिंगर। हमारी 250 ग्राम के हिसाब से हमने आलमंड्स लिया है, सिर्फ 2 टीस्पून के हिसाब से हमने 2 टीस्पून ले लिए आलमंड्स। आपने अगर ज्यादा भिंडियां बनाई हैं, बेशक जैसे आप 1/2 kg बना रहे हैं तो फिर आप उसमें 4-5 चम्मच डाल सकते हैं। बस अब ये देखिए, अब इस स्टेज में क्या करना है, भिंडियां एक अपना लिपलिपापन छोड़ती हैं जो कि अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो उसके लिए बहुत से लोग हमने भी देखा है, बहुत से लोग उस पे लेमन शामिल करते हैं। हम इसमें स्पेशली लेमन न शामिल करके अमचूर शामिल कर रहे हैं इसी स्टेज पे, क्योंकि हमें भिंडियां लिटपिट नहीं चाहिए। आप भी ऐसा कर सकते हैं, इससे इसका जायका भी थोड़ा डिफरेंस आता है और ये लाजवाब सी तैयार होती है। अब आपने क्या करना है, आपने अपना सॉल्ट ऐड कर देना है इस पे, सॉल्ट टू टेस्ट। बस अब इसका ढकना हमको लगा देना है 5 मिनट्स के लिए। 5 मिनट्स बाद हम इसको ओपन करके देखेंगे इनका क्या हाल है। अभी हमने इस पे आलमंड और ये जिंजर बचा के रखा है, अभी हमने इसमें ऐड नहीं किया है, तब हम ऐड करेंगे तब आपको बताएंगे। अभी तो बेशक हम इसका कवर करके इसको 5 मिनट से तक पकाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए भिंडियां जो थी हमारी, अब उसका ढक्कन हम अलग करके देख लेते हैं। 5 मिनट्स हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हमने 5 मिनट्स ही बोला तो बस 5 मिनट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी अपनी गैसें होती हैं, बनने का टाइम होता है, कुछ गैसें तेज होती हैं और कुछ गैसें मंदी होती हैं, तो वो 5 से 7 मिनट भी टाइम ले सकती हैं। हमारी जैसे तेज है तो 5 मिनट के बाद हम उसको देख ले रहे हैं ना। तो अब आपने क्या करना है, इसमें अपना हल्का हल्का वाटर रिलीज किया है, ज्यादा भिंडियों में तो वैसे भी नहीं होता। और ये देखें, भिंडियों में एक भी चिपचिपापन नहीं दिखेगा आपको। अब आपने इसमें ये आलमंड शामिल करने हैं और इसको 5 मिनट्स के लिए कुक करना है। ये देखें, ये वाकई में बहुत ही अच्छे जायका निकल के इनका आता है ना भिंडियों का, तो बड़ा ही खाने में अच्छा लगता है, क्योंकि आलमंड्स तो वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छे हैं और बच्चे वगैरह भी नहीं खाते, तो आप बेशक ऐसे डाल सकते हैं ना सब्जियों में, तो बच्चे भी आराम से इसको खा लेते हैं। तो अब इसका हम 5 मिनट के लिए ढक्कन फिर से कवर करके आपको मिलते हैं। 5 मिनट बाद अब हम ढक्कन ओपन करके इन भिंडियों की शक्ल देख लेते हैं। देखिए ये माशाल्लाह से अब कुक हो चुकी हैं, है ना। आप ये ना सोचे कि 5 मिनट में, मतलब आपका गैस, हमने पहले भी बोला जैसे कि आपको लगे कि भिंडियां कच्ची हैं तो बेशक आप उसको 2-1 मिनट के लिए और भी पका सकती हैं। फिर हमने क्या शामिल करना है, ये जिंजर जो हमने 1 टी स्पून के बराबर लिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये कच्चा जिंजर क्यों शामिल कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है। तो आप एक चीज जान लें कि इस जिंजर को इस स्टेज में शामिल करने के बाद आपकी भिंडियों का जो जायका निकल के आएगा वो बहुत ही अच्छा होगा। जो आप नॉर्मल भिंडियां पकाते हैं उसमें कभी भी कोई किसी ने ना डाला होगा, हमने ना सुना
कि जिंजर डाला या कुछ किया ना, लेकिन अपना अपना बनाने का खाने का तरीका होता है। तो आप एक बार बेशक ऐसी भिंडियां बनाएं और आप डालेंगे इस स्टेज में, तो जो हमारे जिंजरों का स्मेल है वो इन भिंडियों में शामिल होगा और वो खाने में बड़ी मजेदार लगती हैं। स्पेशली लोग इसको पूड़ियों के साथ भी बहुत पसंद करते हैं। कोई त्योहार हो या कुछ हो ना, तो ऐसी भिंडियां बना लें और पूड़ियां बन जाए तो बस त्योहार का मजा ही कुछ और हो जाएगा। तो चले अब हम आपको मिलते हैं डिश आउट करके। देखिए ये भिंडियां बनकर रेडी हो चुकी हैं और डिश आउट हो चुकी हैं। आप लोग अपने अपने घरों में एक बार बेशक इस भिंडियों को बनाकर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपके साथ और भी अपनी अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करें, तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए हम मिलते हैं आपके लिए एक अच्छी सी रेसिपी लेकर। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।